Hello students, how are you? I am Mahkar Sir, your English teacher, class 9th subject English first. Dear students, last week मैंने आपको poetry में sympathy का central idea और four line लिखने को दे दी थी. देखिए ये जो passage भेजता हूँ मैं four line का, इसे आप चार line अपने याद कर लें, क्योंकि board में आपको या exam में आपको चार लाइन की पोएम या सेंट्रल आइडिया जो भी आपको याद हो वो लिखने के लिए आएगा. एक यानी के साथ या तो सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं या फिर फोर लाइन पोएट्री लिख सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसका मैं एक स्टेंजा करा चुका हूँ और देख लीजिए आज जो करा रहा हूँ मैं. सेकेंड स्टेंजा है, माई सोरो पास्ट आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी. माई सोरो पास्ट यानी कि मेरा दुख किसका, लेखक का. पास्ट बीत गया है यानी कि ख़त्म हो गया, जो दुख का समय था वो चला गया. आई पेड हिम बैक और मैंने जिसने मेरी सहायता की मैंने उसे थैंक्स कहा. द गोल्ड ही गेव टू मी, द गोल्ड ही गेव मी यानी कि उसने मुझे सोना दिया, यानी कि सोना नहीं दिया, उसने मेरी सहायता की. देन स्टूड erect and spoken my thanks and blessed his charity. Then stood he sat and spoke my thanks. यानी कि उसने मेरे धन्यवाद को अच्छी तरीके से, यानी कि मैंने क्या बताया था आपको कि सिंपैथी जो सहानुभूति जो होती है कभी भी पैसों द्वारा या किसी वस्तु से नहीं चुकाई जाती, क्योंकि ये ऐसा गुण होता है जो अनमोल होता है. ठीक है, जो एक दूसरे की सहायता की होती है और वो वही समझ सकता है जिसके साथ सहायता की जा रही है. ठीक है, एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी और उसकी जो चैरिटी में से योगदान करना, किसी चीज़ का सहायता करने के लिए आशीर्वाद देना. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर यह है, व्हाट डिड द पोएट डू when his sorrow passed or why did the poet stand erect. तो इन दोनों का क्वेश्चन का आंसर देखेंगे आप स्टूडेंट्स. देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर है, the poet returned the money to the proud man when his sorrow passed. यानी कि जब उसका दुख गुजर गया तो जिसने नर्सिंग की थी उस लेखक की, जिसने सहायता की थी, तो वह क्या करता है, उसे धन देना चाहता है. सेकंड का आंसर है, द पोएट स्टूड इरेक्ट बिकॉज द पोएट वाज फ्री फ्रॉम डेब्ट. अब द पोएट स्टूड इरेक्ट, पोएट खड़ा था इरेक्ट बिल्कुल सावधानी पूर्वक, बिकॉज क्योंकि द पोएट वॉज फ्री फ्रॉम डेप्ट, क्योंकि कवि जो है डेप्ट मीन्स कर्ज, कर्ज से बिल्कुल उतर गया था. ये कर्ज कैसे उतरता है, यानी कि अगर कोई हमारी परेशानी में सहायता करे तो हम भी उसकी परेशानी में सहायता करें, तभी हम उसके इस एहसान का कर्ज चुका सकते हैं, ना कि पैसे देकर या खरीद कर किया जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पैराग्राफ होगा इसमें, आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन. आई ले इन वांट, वांट मीन्स चाहना और ले मीन्स लेटर है ना, यानी कि कभी पढ़ा था. एंड ग्रीफ दुख में, एंड पेन और दर्द में. ए पुअर मैन पास्ड माई वे और एक गरीब व्यक्ति मेरे यानी कि उसी रास्ते से गुजर रहा था. ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड. He bound my head, यानी कि उसने मेरे सर पर मरहम लगाया. He gave me bread, और उसने मुझे खाने के लिए क्या दिया, भोजन दिया, रोटी दी, ब्रेड मीन्स रोटी. He watched me night and day, और उसने मेरी रात दिन देखभाल की, यानी कि देखना नहीं, उसने रात दिन मेरी क्या की, देखभाल की. इसका आंसर क्वेश्चन हो जाएगा पहला, How did the poor man help the poet? गरीब व्यक्ति ने लेखक की सहायता कैसे की. तो इसका आंसर हो जाएगा, द पुअर मैन बाउंड द हेड ऑफ द पोएट. द पुअर मैन, गरीब आदमी ने बाउंड
द हेड ऑफ द पोएट, यानी कि बाउंड मीन्स वो बाउंडेड मीन्स घायल, उसके जो पोएट घायल था उसकी सहायता की। ही गेव हिम फूड एंड ईट एंड लुक्ड आफ्टर हिम डे एंड नाइट, यानी कि उसने लेखक की रात दिन सहायता की भोजन से और नर्सिंग की तरह एक डॉक्टर की तरह। द बाउंड्स, हाँ सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, विच वर्ड्स सजेस्ट दैट द पोएट वॉज इल, यानी कौन से शब्द बिल्कुल सजेस्ट कंप्लीट हैं दैट द पोएट वॉज इल, जब कभी क्या था, इल था, इल मीन्स बीमार था या घायल था, परेशानी में था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा द वर्ड्स ग्रीफ एंड पेन, द वर्ड्स शब्द ग्रीफ एंड पेन, ग्रीफ मीन्स दुख और पेन मीन्स दर्द, सजेस्ट दैट द पोएट वॉज इल, यही दोनों शब्द पोएट जब क्या था, बीमार था, उसके लिए बिल्कुल सजेस्ट सही है। थर्ड पैराग्राफ देखेंगे स्टूडेंट्स, हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, कि मैं उसे कैसे, उसकी अगेन द्वारा कैसे सहायता करूँगा, फॉर ऑल ही डिड टू मी, जो उसने इससे सारी सहायता मेरी की है, किसने, उस गरीब व्यक्ति ने। ओ गॉड इज ग्रेट बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी, यानी कि गोल्ड सोना काफ़ी है लेकिन सोने से भी ज़्यादा कीमती है सिंपैथी, सहानुभूति जो स्वर्ग से आता है, ये दया का गुण, ये सहानुभूति का जो गुण है हर एक में नहीं होता, ये किसी किसी में होता है, ठीक है। तो इसका देखिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, Why does the poet feel helpless to pay back the poor man? यानी कवि ने उस गरीब व्यक्ति की सहायता करके कैसे प्रसन्नता महसूस की? तो the poet feels helpless to pay back the poor man because there is no payment for love and sympathy. देखिए जब गरीब आदमी ने उसकी सहायता की थी तो लेखक चाहता था कि इसे कुछ दिया जाए या ये कुछ इसका चार्ज मांगेगा, पर उस व्यक्ति ने लेखक से कुछ नहीं मांगा क्योंकि उसने उसके कोई अपने प्यार और सहानुभूति का उसने उससे कुछ नहीं लिया, क्योंकि कभी भी सिंपैथी या किसी की सहायता की जाती है तो किसी की धन या लालच से नहीं की जाती, ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर सेकंड है, व्हाई हैज सिंपैथी बीन डिस्क्राइब्ड एज हेवनली, देखिए व्हाई क्यों हैज सिंपैथी सहानुभूति बीन डिस्क्राइब्ड वर्णन करती है एज हेवनली, यानी कि जो ये जो सहानुभूति का गुण है ये स्वर्ग सा क्यों प्रतीत होता है, ये कहाँ से आता है? तो सिंपैथी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड हेवनली बिकॉज इट इज़ सेल्फलेस सर्विस, ये सिंपैथी जो है सहानुभूति स्वर्ग से स्वर्ग की तरह यानी कि स्वर्ग ये प्रतीत होती है क्योंकि इसमें जो सर्विस सर्विस में सेवा की जाती है वो बिना सेल्फलेस होती है, बिना सेल्फ में स्वार्थ रहित होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सारे आपको अपने, ये तीनों पैराग्राफ आपको अपने नोटबुक में नोट करने हैं और लर्न करने हैं, ओके स्टूडेंट्स।